हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काजल आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया केले के कोफ्ते की सब्जी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे हमने कच्चे वाले 1 किलो केले लिए हुए हैं। इनको हम छील लेंगे, हल्का हल्का सा छिलका उतार लेंगे इसका। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको छीलना है। ये देखिए बहुत ही इजीली छिल रहा है, बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। इस तरीके से ये आपको छीलना है। ये देखिए सारे केले मैंने छील लिए हुए हैं। अब हम लोग इनके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। ये देखिए इतनी बड़ी ही आपको भी पीस कट करनी है। ये देखिए मैंने सारे केले की पीसेस कट कर ली हुई हैं। अब हमने यहाँ पे 1/2 किलो बेसन को छान लिया हुआ है। इसमें हम लोग 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 पकौड़ियों का घोल तैयार करेंगे। जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग को इसका भी घोल तैयार करना है। नमक को हाथ की हेल्प से मिक्स कर लेंगे एक बार, फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे और एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे पकौड़ी के जैसे, जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं कढ़ी में डालने के लिए। उस तरीके से आपको घोल तैयार कर लेना है। देखिए घोल मेरा तैयार हो चुका है। जो हमने पीसेस कट की थी वो हम लोग अब बेसन के घोल में मिला लेंगे। आप चाहे तो आप 1-1 करके भी निकाल सकते हैं, बट हम सारी पीसेस मिक्स करके फिर 1-1 करके निकालेंगे। ये देखिए हमने सारी पीसेस को मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम लोग कढ़ाई में इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने 4 चम्मच तेल लिया हुआ, सरसों का तेल है। पकौड़ियों के जैसे इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पकौड़ियाँ मेरी फ्राई हो चुकी है। इनको आगे पीछे दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी है, हम लोग निकाल लेंगे इनको। तेल में 1 चम्मच जीरा भूनेंगे, 1/2 चम्मच हींग, हम लोग प्याज ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 4 प्याज लिए हुए हैं, 10 कलियाँ लहसुन की, इसको बारीक बारीक कर लिया था। हम लोग मसाले तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पे 1.5 चम्मच हम लोग लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं, 2 चम्मच हल्दी पाउडर ले रहे हैं, 3 चम्मच धनिया पाउडर ले रहे हैं। आधा चम्मच गरम मसाला ले रहे हैं, 2 चम्मच नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। प्याज मेरा भुन चुका है, अब इसमें हम लोग मसाले ऐड कर देंगे। एक चुटकी या 1 पिंच इसमें कश्मीरी पाउडर यूज करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। देखिए पानी को खौलने देंगे, पानी खौल चुका है मेरा। इसमें हम लोग जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो ऐड करेंगे इसमें। इसमें हम लोग मीट मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच तक, इससे और अच्छा टेस्ट आता है इसलिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। सब्जी मेरी पक चुकी है, इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया हुआ है। धनिया पत्ती ऐड करेंगे इसमें गार्निशिंग के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।